यहाँ संसार क्रांति के माध्यम से आज दिखाया जा रहा है आपको कि राजौंद तहसील के गांव बीर बांगड़ा में काफ़ी ग्रामीण यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं और ये जितना भी अवैध कब्जा यहाँ किया हुआ है लोगों ने उसके बारे में बताते हैं। हमारे साथ अंकुर राणा जो गांव के ही एक युवा हैं और यहाँ देखिए आप तालाब के पास पास ये देखो सर सामने सारा गंदगी का कितना बुरा हाल है। सारी गंदगी जोड़ मिडल वास्ता है गांव की, जिसकी वजह से पूरे लोग गांव के परेशान हैं। और सर दूसरी यहां देखिए आप जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता अभियान चलाए हुए हैं और करोड़ों रुपया ऐसे कार्यक्रम पर खर्च किया जा रहा है, वहीं गांव बीर बांगड़ा में आप देख रहे हैं गंदगी के अंबार लगे हुए हैं जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। यहां मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि तालाब के अंदर फैली गंदगी और ये जो फैला हुआ सारा दिखाएं। हाँ जी क्या कह रहे थे आप? हाँ जी बताइए क्या कह रहे थे? 2 लाख रुपए ले गए थे सरपंच स्वच्छता की ओर से, यहाँ देखियो जी लैटरिंग नीचे पड़ी है जी। नहीं 2 लाख रुपए की कहाँ से लिए? गाँव में खुला सोच मुक्त है जी। मैं चाहूंगा डीसी साहब ने दिए उनको पैसे और ये देखो 2 लाख रुपए उनको इनाम दिया था जी। आपका क्या नाम है? कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी बताइए 2 लाख रुपए किसको दिए सफाई अभियान के नाम पे और वो खर्च हुए या नहीं हुए? जो ये स्वच्छता की ओर से लैटरिन के बारे में पैसे ले गए थे जी, वो स्वच्छता के अभियान से खुले में सोच के कारण में पैसे सरपंच के पास आ चुके हैं और खुले के सोच का नतीजा देख लो जी आप। गाँव के अंदर महिला मंडल बना हुआ है, आइए हम उसके हालात दिखाते हैं आपको। यहाँ कितना बुरा हाल है गंदगी का, यहाँ देख सकते हैं आप। ये है बीर बांगड़ा गांव का महिला मंडल, यहाँ देख सकते हो महिला मंडल के अंदर कितनी गंदगी फैली हुई है। ये है गांव बीर बांगड़ा का महिला मंडल, कारी स्कूल के सामने भी आपको दिखाई देगा। स्कूल के बिल्कुल गेट के सामने पानी इकट्ठा है, ना तो यहाँ कोई शिक्षा स्कूल प्रशासन इस मामले को लेकर गंभीर है और ना ही गांव की पंचायत और गांव के सरपंच भी। यहाँ देख सकते हैं आप बीजेपी पार्टी के कुछ लोग इसके अंदर भी शामिल है सर ये काम करवाने में। यहाँ देख सकते हैं आप स्कूल के सामने से भी निकलने का रास्ता नहीं बचता। आइए हम जानते हैं गांव के एक युवा साथी से इस समस्या के बारे में। आपका नाम? अंकुर राणा। अंकुर राणा जी बताइए जो ये आपके गांव में जितनी भी समस्याएं से आपको सामना करना पड़ रहा है उनकी क्या वजह है और कौन लोग इसके जिम्मेवार हैं? सबसे पहले सर गांव में सरपंच होता है जो जिन्होंने ये कार्य करने होते हैं और सरपंच ही इसका मुख्य जिम्मेवार है, उसके साथ कुछ पॉलिटिशियन लोग हैं जैसे जो बीजेपी में है कुलविंदर राणा एक शर्मा जी है, कुछ पंडितों में से हैं, कुछ भाट बिरादरी से हैं जो इसके साथ मिलके ये गंदे काम कराने में गांव को बिड़ाने में और गांव में इसे पानी ना निकलवाने में सरपंच खुले तौर पे धमकियाँ देता है और गंदी गंदी गालियाँ देता है। कोई गरीब आदमी इसके पास जाता है नंगा तक हो जाता है सर और इतना घटिया घटिया वर्डिंग बोलता है। मैं कहता है कि मैं मेरा घंटा उखाड़ लो, मैं किसके पानी निकालूंगा, जिससे जो मर्जी होता कर लो। और SDO और JEE इसके अंदर शामिल है और कल भी यहाँ पर दौरा किया था और अभी जो जनरेटर लगाया था उन्होंने उससे पहले जो तार की कुंडी लगा करते थे वो 2 लाख रुपए तेल के 2 लाख रुपए बिना पानी निकाले तेल के उन्होंने अंदर अजम कर चुके हैं जिसमें ऑफिसर भी उसके साथ शामिल है और अभी तक उसके खिलाफ़ कोई भी एक्शन नहीं हो चुका है और 2-3 साल से 2-2.5 साल से कंटिन्यू अप्लीकेशन जा चुकी है CM विंडो में क्या DC के पास क्या BDPO के पास क्या और 2-4 दिन पहले ही 100-150 आदमी गए थे आपको हम उसकी क्लिप देंगे जो साथ में गए थे कोले यहाँ पे दौरा भी हुआ था उस टाइम भी सरपंच ने आके बोला बाद में उनके जाने के बाद मेरा घंटा उखाड़ लो मैं कुछ नहीं करूँगा। स्कूल की छात्राएं हैं जहां सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दावा कर रही है और इन गांव की बेटियों को गांव में फैली हुई गंदगी की वजह से जो गलियों में तालाब का पानी भरा हुआ है निकासी ना होने की वजह से और उस हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया भी था कि उस पानी में जहरीले सांप भी हमने आपको दिखाए थे। यहाँ हम इन छात्राओं से जानना चाहेंगे बेटा आपका क्या नाम है?
मनीषा बेटे आपके गांव में जो गंदगी फैली हुई है, गलियों में पानी भरा हुआ है, जगह जगह कीचड़ है, तो बेटा आप स्कूल में कैसे आते जाते हो? वो दिक्कत आती है जब हम जाते चिकड़म जाते हैं, कोई भी सफाई नहीं कराता, कोई ठीक नहीं कराता, हम जाते नहीं कोई ठीक कर। सलोनी बेटा बताओ आपके गाँव के क्या हालात है? अच्छा क्या दिक्कत आती है बेटा, क्या परेशानी आती है? के कुछ व्यक्तियों ने गांव में फैली गंदगी और पानी की निकासी ना होने को लेकर सरपंच पर कुछ आरोप लगाए हैं। उसी आरोपों को लेके हम गांव के जो मौजूदा सरपंच हैं, सर क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार हैं इस गांव के सरपंच, जो मौजूदा सरपंच हैं। गाँव वासियों ने इन पर जो आरोप लगाए हैं संसार क्रांति न्यूज़ चैनल पर, हमें जो भी बताया उस बारे में हम इनसे जानना करें। सरपंच साहब, जैसे कि आज हम संसार क्रांति न्यूज़ चैनल आपके गांव में पहुंचा है और गांव में आपकी जो कवरेज की है हमने, तो कुछ आपके गांव के जो व्यक्ति थे उन्होंने आप पे आरोप लगाए हैं, गबन के भी आरोप लगाए हैं, जो गाँव में गंदगी फैली है उसकी भी जिम्मेवार आपको ठहराया है, जो खुले में सोच दिखाया हमें उसका भी जिम्मेवार आपको ठहराया है। जो भी हमने वहाँ कवरेज में पाया तो आपके गांव के लोगों ने आप पर कुछ इस तरह के आरोप लगाए हैं, भाई स्वच्छता भी गांव में नहीं है, गांव में पूरी तरह से जिम्मेवारी सरपंच नहीं निभा रहे हैं। इस बारे में आपके साथ यहां देख रहे हैं इन सरपंच साहब, काफ़ी लोग मौजूद हैं यहां सरपंच साहब के साथ। सरपंच साहब, इन सभी बातों के बारे में हम आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे ये कि क्या मामला है ये, और जो आरोप हैं वो किस आधार पर वो लगा रहे हैं आप हमें बताइए। ये है जी, मैं जब शुरू में सरपंच बना था तो मैं एक दलित समाज से हूँ, जो हमारा गांव शुरू से बस रहा है, तो वो लोग थे जो एक ही पार्टी के लोग थे, एक ही समाज के लोग थे, राजपूत समाज के लोग थे वो। तो मैं जब सरपंच बना, दलित समाज से हूँ मैं, चमार जाति समझ रखता हूँ, तो वो मेरे को धमकी देने लगे शुरू में, भाई हमारे पास चौधर थी तो वह गरीब आदमी पर चली गई है, और जो हम काम कर बोलेंगे वो काम करने हैं आपने, भाई हमारे सिवा जो हम बोल रहे काम वो करने हैं, दोबारा दूसरा काम नहीं कर दिए। उन्होंने हमें धमकी दिए हैं, भाई आपकी सरपंच 5 साल पूरी नहीं करने देंगे, हम आपको सस्पेंड करा के ही दम लेंगे। वो मेरे को धमकी दे रहे हैं। पानी की निकासी का मामला है, जो पानी की निकासी मैंने मोटर लगाई शुरू में, मोटर के लिए जो एक्शन ओ पी से इसका ग्रांट आया था, एक्शन ओ पी से काम था, मेरी देख रेख थी बस, तो पाइप लाइन दबाई गई थी, तो मैंने मोटर शुरू की वहाँ पे, तो उन्हीं पार्टी ने, उन्हीं लोगों ने जो आज वह थे वहाँ पे राजपूत समाज के लोग, तो उन्हीं ने मेरी दरखास्त लगा दी, भाई सरपंच डायरेक्ट मोटर लगा रहे हैं, तो डायरेक्ट मैंने मोटर बंद कर दी। तो उसके बीच में जो मोटर बंद होने के बाद बारिश होनी शुरू होगी तो गांव में तालाब में पानी भर गया, उससे पहले मैंने खाली किए थे पिछले सीजन में, पिछली गर्मी में मैंने सारे जोड़ तालाब खाली कर दिए थे, तो मोटर कनेक्शन लेने में मेरे 6-7 महीने लग गए हैं, तो 3-4 महीने में ट्रांसफार्म रखा गया है, अब मैंने कनेक्शन ले लिया है, मोटर वहाँ पर शुरू कर दिया है, ज़्यादा बारिश होने के कारण वो तालाब ज़्यादा ओवरफ्लो हो गए हैं, आज मैं जनरेटर लेकर आया हूँ, तेल लेकर आया हूँ, आज से जनरेटर शुरू कर देंगे, जो लाइट का बाद 10 बजे से लाइट 1 बजे तक चलती है, सुबह 1 बजे के बाद में 6 बजे आती है, जो 5 घंटा गैप है हम उसमें जनरेटर चलाएंगे, और पानी की निकासी का हमने पूरा सिस्टम तैयार कर दिया है, 5-7-10 दिन में पानी सारा साफ हो जाएगा। सरपंच साहब, जैसे कि आपने बताया जो आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, गबन के भी आरोप लगाए जा रहे हैं, जो आपके खिलाफ़ शिकायतें भी की जा रही हैं, इन आरोपों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये आरोप सारे गलत आरोप है मेरे पे, ऐसा कोई गबन नहीं किया है, उन्होंने मेरी सी एम इंडो RTI सब उनके पास है, सब रिकॉर्ड देखते हैं वो मेरे पे, सब RTI मेरे पे बहुत RTI लगे हैं, कम से कम 50-60 RTI लगी हैं, 60-70 CM इंडो मेरे पास लगी हुई है, सारा ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठे आरोप लगा रहे हैं, और मेरे को दम कि देने 1-2 लाख रुपये मेरे से मांग रहे हैं, भाई RTI CM इंडो आपकी बंद हो जाएगी, मेरे को कई बार बुलाया उन्होंने अकेले में, और मेरे को धमकी दिया है, भाई 1-2 लाख रुपये मेरे को दो जो RTI CM इंडो लगाता है, और नहीं अभी CM इंडो ऐसे लगेंगे। सरपंच साहब, जो लोग आपसे 2 लाख रुपये मांग रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो उन्हीं के आदमी हैं, वो उन्होंने इसके आगे भेजे हैं, वो आप तो सामने नहीं आते लेकिन एक दूसरे बंदे को सामने लाते हैं, वो आप तो पीछे रहते हैं, और वो उन्हें एक आदमी है वो। सरपंच साहब, एक आरोप आप पे और भी लगा है यहाँ, गाँव वासियों ये कहना है कि एक गबन के मामले में आपसे प्रशासन ने रिकवरी भी की थी और DC साहब ने आपको वार्निंग दे के छोड़ा था, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये शुरू का काम था जी, मैं जब उस टाइम मैंने चार्ज लिया था, यहाँ पे वीडियो था, जब वीडियो की उसमें काम हुआ था, मैंने उसके बारे में कुछ पता नहीं था, जब उसमें सफाई अभियान चला हुआ था, डस्टबिन आए थे गांव में, उनके बारे में मैंने पता नहीं था भाई कैसे आए हैं, मैंने सोचा भाई ऊपर से सरकार ने भेजे हैं, तो वीडियो ने मेरे पर दबाव डाल के मेरे पर चेक कटवा दिया, लेकिन मेरे को पता नहीं था भाई ये पंचायत खाते से पैसे जाएंगे, उनका मेरे को यो नहीं था, पता था भाई मेरे पे ये होगा,
ये मेरे उसमें कोई गलती नहीं थी। यहाँ आप देख रहे हैं जैसा कि गांव के मौजूदा सरपंच प्रवीण कुमार का ये कहना है कि इन पर जो भी गांववासियों ने आरोप लगाए हैं वो पूर्ण रूप से निराधार हैं और इनको कुछ गांव के लोगों द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है। 2 लाख रुपए जैसा इन्होंने बताया कि इनसे मांगे जा रहे हैं उनकी मर्जी के साथ चलने को लेकर। और यहाँ हम बात करेंगे और भी यहाँ पंच हैं। सर आपका क्या नाम है? शमशेर जी। शमशेर जी आपने सारी बात सुनी, इस बारे में आपका क्या कहना है? जी मेरा लड़का सरपंच है जी इस टाइम जी, मैं सिर्फ पिताजी हूँ। मैं ये बिल्कुल झूठे आरोप लगा रहा जी और बार बार ये इसको धमकी दे रहा जी, परेशान कर रहा जी। ये पानी की पाइप तोड़ा है, आज 10 दिन पहले ये भी पानी काटो सीएमएट दिखा लगा दी मेरे डीसी का जी, तो इनको दिखा दे दी मार्फत दरखास्त आई थी वहाँ। उसके बाद इन्हें पानी काटने से रोक किया उसी पार्टी को मार्फत दबाव रहा है सरपंच मेरे साथ और मेरे लड़के के साथ, इनको हाथापाई भी किया है भाई आप पानी क्यों काटते हो, मेरे को ये भी रोकेगा ज़बरदस्ती, मारने की धमकी दी है। तो आपने इन सभी बातों को लेके किसी आला अधिकारी या पुलिस प्रशासन को कोई शिकायत दी है? हाँ जी पुलिस में मैं गया जी, मैं थाने में गया जी, मैं पुलिस को उनको यह चल कोई बात नहीं आगे ऐसे में गलती नहीं करूँगा उसको ये कहे मैं ले। बाकी मेरे लड़के को दलित समाज को बिल्कुल परेशान कर रहे हैं जी बिल्कुल, और बार बार धमकी दे भाई हम तेरे ख़त्म करेंगे भाई, आपको तो सस्पेंड कराकर ही रहेंगे। ये पता क्या जी रोला, ये है जी एक राजनीतिक जी हमारे गांव। इन सभी बातों को लेके, सभी विवादों को लेके आप किस चीज़ को मुख्य कारण मानते हैं, मुख्य वजह मानते हैं इन सभी बातों को लेके? सिर्फ रोला है जी चौधर का जी, जब से गांव बसे हमारा जी, मैंने जब से गांव बसे है जब से चौधर इनके पास रही है यार, अब इन पर यह सहन शक्ति नहीं हो रही कि एक बच्चे गरीब बच्चे पर जी, एक हरिजन के लड़के समाज के लड़के पर जी ये सरपंच कैसे बगी भाई, जो हम काम करने आएंगे तो इसके समारे अगर कैसे जाएंगे, ये सूत मानते हैं इस बात ने जी। और एक बच्चा भी इस रहा है, ये सारा रोला है जी इनका चौधर का रोला जी। बाकी और ऐसा कोई सफाई के बारे में जी, हमने डीसी साहब को मारते एक इनाम भी दिया जी सफाई के अभियान जो मैं ले, और गांव में हम तय जी तन मंदन से जी मैं ले सफाई भी और पानी के बारे में जी, और गांव में गली का ये कहते हैं भाई हमारा कोई काम नहीं करता, सबसे पहले हमने राणा चौपाल बनवाई जी, राणा की गली बनाई जी, राणा के मतलब हमने नलके लगवाए जी, सबसे पहले हम जेलदार है जी, जेलदार के हम चौपाल का काम कराया सबसे पहले जी, ये कहते हैं भाई मारे राजपथ काम नहीं करते, हम काम करा जी सबका जी, मैंने ये देखना भाई मैं किस जाति बना नहीं, मेरे लिए सभी बराबर है जी, फिर ये इस बात ने बहुत उछाल दे रहे हैं जी ये जाति मैं। यहाँ आप देख रहे हैं जैसा कि सरपंच के जो पिता हैं उनका भी यही कहना है कि उनको गांव के कुछ लोगों से खतरा है और जिनको बार बार धमकियाँ दी जा रही हैं, इसी बारे में हम यहाँ गांव के पंच हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे। हाँ जी आपका नाम? श्यामलाल। श्यामलाल जी बताइए, जो जितनी भी ये विवाद की जड़ है इसका मुख्य कारण क्या है और क्या वजह मानते हैं आप इसको? यह एक पार्टीबाजी का इशू बढ़ाया है और जी मतलब ऐसा है ये रंग रूप जो है ना एक राजनीति इनकी है, जो चौधर इनको माफी की नहीं आ रही, असली यही जड़ है। यहाँ आप देख रहे हैं साफ तौर पर सरपंच का भी और सरपंच के जो पिता हैं उनका भी और जितने भी यहाँ काफ़ी तादाद में गांव के लोग मौजूद हैं सरपंच के साथ उनका भी यही सब का कहना है कि जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, दलित समाज से ये सरपंच जो इनको गाँव वासियों ने बनाया है वो इनको हजम नहीं हो रही, इसी बात को लेकर इन पर ये आरोप लगाए जाएँ जिन्हें सरपंच साहब सिरे से नकार कर और बिल्कुल इनको बिना किसी वजह के इनका कहना है कि परेशान किया जा रहा है और जो आरोप इन पर लगाए जा रहे हैं वो पूर्ण रूप से निराधार हैं। सरपंच साहब अब आपकी प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से मांग मेरी ये है जी भाई मेरे को दाब दिया जाए, भाई मेरे को कुछ सहयोग दिया जाए, भाई मेरे कोई हेल्प की जाए मेरी, नहीं भाई मेरे को ये सस्पेंड कराएंगे यार, मेरे को धमकी देते हैं बार बार, मैंने थाने में भी रिपोर्ट लिखी। ये धमकी किस बात को लेके देते हैं आपको? ये धमकी देते हैं भाई हमारा काम कर नहीं तो ना सस्पेंड करावांगे, सीधा कहूँगा जी, तो भाई हमारा काम कर, हम तेरे घर को ना दे तो हमारे घर लगा भाई, हमारा काम पूछ खजार, हमारा काम कर, ये गलत काम करावें और फिर मेरी सीमेंट लगावे, यही गलत काम करावें, ये जो मैंने आप गंदगी की बात कर रहे हैं, मैंने जी खुद सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक गांव के 10 आदमी लेके मैं चुगुरदेव बस खुले में शौच मुक्त के लिए सभी ने इकट्ठा करके मैं 2 महीने लगातार फिर हूँ, मेरे को डीसी मैडम ने भी नाम दिया था उसके बारे में, और सफाई के लिए मैंने 20 दिन हो गए गांव में सफाई कर्मचारी 20 आदमी लगा रखे हैं दिहाड़ी पर, सभी गली की साफ सफाई करा दी है, ये जानबूझ के परेशान कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो नहीं है, मैंने पाइप लाइन दबाई मेरी कम से कम 50 बार पाइप लाइन तोड़ी है, रात को मैं चलाता हूँ और सुबह पाइप टूटी पाती है मेरे को, और पाइप सारा खेत किसी भर जाता है और अपना फिर वो लड़ाई काम करते हैं मेरे साथ। मेरा ये कहना है जो लोग एलिगेशन लगाते हैं वे अपने अंदर झांक कर देखो, या गाँव के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर बीच में कहो भाई इसको ये गुना किया सरपंच ने,
अब उनका जवाब हम देंगे और इनका जवाब ये ऐसे नहीं मिलता भी घर बैठ के हुए अफसरों के पास जाते हैं भाई गरीब आदमी पे एक दबाव डालते हैं भाई तेरे को ये कर देंगे उठा देंगे ये कर देंगे ऐसे नहीं होने देंगे ये गरीब जनता इनके साथ है सभी की सभी क्यों ये एक नंबर का काम करते हैं वे दो नंबर के सदा से जीते हैं 40 साल से राज करते आ रहे हैं सब ने गुंडागर्दी में मचा रखी है आईटीआई तो अब लगेगी अब इनने जो कदम उठाया है हम लोग सभी मिलकर आज आज से उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे और धर्म की और अधर्म की लड़ाई लड़ेंगे वे लोग अधर्म ही हैं और ये जो धर्म के लोग हैं हम इनके साथ हैं जो सच्चे मन से अपना काम करते हैं और ये राजनीति मुद्दा है और कोई किसी प्रकार को नहीं है। मैं उनको पूछना चाहता हूं यहां आप देख सकते हैं एक ग्रामवासी रोष प्रकट कर रहा है दूसरी पार्टी के लिए कि जो ये भी इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं इन पर दबाव बनाया जाए वो एक जातिवाद और राजनीति के तहत सब किया जा रहा है। यहाँ एक और पंच हैं गांव के हम उनसे ही बात करेंगे। आज आज वे 2 साल का हिसाब मांग रहे हैं सरपंच से गरीब आदमी से वो 40 साल का हिसाब दो हमारे को आगे गाँव के अंदर भाई तुमने क्या किया और ये क्या किया 2 साल में 40 साल और 2 साल का बराबर टाइम है उन लोगों में पूछना चाहता हूँ सामने आओ और अपनी लड़ाई लड़ो। यहाँ एक और पंच है उनसे भी हम जानना चाहेंगे इस बारे में। सर क्या नाम है आपका? सुभाष जी। सुभाष जी बताइए ये पूरा मामला क्या है आपके गांव में जो ये तनाव बना हुआ है इसकी क्या कारण मानते हैं क्या वजह है इन कारणों को जरा विस्तार से बताइए संसार क्रांति न्यूज चैनल के माध्यम से। कुछ नहीं जी ये पार्टीवाद जी के हिसाब से जो कर रहे हैं हमारा सरपंच है जो गांव में बहुत बढ़िया काम कर रहा है इसमें सरपंच जो भी सरपंच ने कहा है जो भी गाँव में सब कुछ कहा सब ये बिल्कुल सत्य है जी इसमें कोई झूठी नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं जो ग्राम पंचायत के पंच हैं सुभाष इनका भी यही कहना कि इन पर जो भी आरोप ग्राम पंचायत पे गांव के व्यक्तियों द्वारा लगाए जा रहे हैं वो पूर्ण रूप से निराधार है। यहाँ एक ग्रामवासी और है उनसे ही बात करेंगे हम। सर आपका क्या नाम है? अनुज कुमार। अनुज कुमार जी बताइए इस बारे इसी बात के बारे में। सर जो ये पानी जोड़ का निकला है ना इस पानी ने आम खेता में यूज करा और जब का मल सरपंच बन रहा है तब का ये पानी चल रहा है बीच में कुछ भी मल तकनीकी खराबी थी उसकी वजह से बंद हो गया था अब बारिश ज्यादा होने की वजह से पानी बहुत ज्यादा हो गया है डेली मोटर चल रही है लाइट की व्यवस्था नहीं है तो आज जनरेटर चालू हो गया यहाँ पे। जो सरपंच काम कर रहा है वो बढ़िया काम कर रहा है ये अलग पार्टी वाले हैं जो मलमाल इतना आक्रोश पैदा कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ग्रामवासियों का साफ तौर पर कहना है और ये सरपंच के पक्ष की बात कर रहे हैं और सरपंच के कार्यों से यहाँ सभी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। इनका यही कहना है कि जो गांव के कुछ लोग हैं वो सरपंच पर नजायज तरीके से दबाव बनाकर गलत काम कराना चाहते हैं इसी बारे में हम एक ग्रामवासी से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? पंडित वकील शास्त्री। पंडित वकील शास्त्री जी बताइए इस विवाद का क्या कारण है और आप इसको किस नज़र से देखते हैं और सरपंच पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं एक गांव के एक पक्ष की ओर से उस बारे में भी आप हमें बताइए ये क्या कारण है? सरपंच पर लगे हुए सारे आरोप निराधार हैं ये एक राजनीतिक स्टंट है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि 40 साल जो चौधर कर रहे थे तो उस चौधर के उस पर किसने इन पर आरटीए लगाई थी? हमने पीछे जनरल कैटेगरी ने 6 साल सरपंची की यदि इनमें दम होता ना तो उस टाइम रोक के दिखाते। एक छोटी जाति को दबाने की बात कर रहे हैं गरीब आदमी का सरपंच बन गया जो इनको कभी पच नहीं रहा क्योंकि कुत्ते को घी कभी हजम नहीं होता। और मैं इनको वादा दिलाना चाहता हूं कि जनरल की सरपंच आएगी यदि हिम्मत है तो आरटीआई लगा के दिखाए फिर मैं बताऊंगा कि कैसे आरटीआई लगती है और कैसे नहीं लगेगी। यदि सांप को मारने के लिए बिल से बाहर निकालना पड़ेगा यदि हिम्मत है तो ये उंगली लगाना छोड़ दो यदि दम है तो सामने आके टक्कर लो तभी पता चलेगा। ये सभी आरोप निराधार हैं गरीब जाति से ऐसी कोटे से सरपंच है इसको सताया जा रहा है और बार बार इस पर दबाव मनाया जा रहा है। यदि दबाव मानने की ऐसी बात होती तो उन लोगों को हमारे सामने प्रकट करो। ये सभी जितने भी काम किए हुए आज गांव में 2.5 साल हो गए हैं सरपंच को आए और 2.5 साल के अंदर एक भी दिन देखो जो आपातकाल की बारिश होगी वो चीज अलग है लेकिन 2.5 साल के अंदर आज एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन गांव में गलियों का चौपालों का काम सुचारू रूप से ना चला हो। और रही बात पानी निकालने की यही आरटीआई लगवाते हैं कि गांव में पानी नहीं निकाल रहे पानी भी यदि हम पानी निकालते हैं एक बंदा इनका ही आरटीआई लगाता है कि हम मोटर नहीं चलने देंगे। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं कि क्यों गांव की इस राजनीतिक स्टंट में क्यों गांव की बर्बादी कर रहे हो और जो लोग गांव की बर्बादी में हिस्सेदार होंगे उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। हम तहे दिल से पूरे गांव के साथ पूरे गरीब जाति के साथ सरपंच प्रवीण कुमार के साथ साथ हैं। इनका पसीना बहेगा तो हम खून बहा देंगे। यहां आपने देखा एक ग्रामवासी हैं वकील दीक्षित जो ब्राह्मण समाज से हैं
उनका भी यही कहना है कि जो भी आरोप लगाए हैं सरपंच पर गलत हैं, और एक दलित जाति से संबंध रखने को लेकर ये सारे विवाद की जड़ यहाँ पैदा की जा रही है। यहाँ आप देख सकते हैं माहौल कितना तनावपूर्ण है और लोगों में कितना रोष है सरपंच की खिलाफत करने वालों के खिलाफ। संसार क्रांति न्यूज चैनल से मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन सहयोगी सुनील यादव के साथ।